हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांशु सक्सेना और इस वीडियो में हम अपनी इंग्लिश सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि राइटिंग सेक्शन की होगी। जो सीबीएसई बोर्ड में राइटिंग सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि लेटर हो गया, एडवर्टीजमेंट है, पोस्टर मेकिंग है और नोटिसेस हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो हमारी इस सीरीज़ की पहली वीडियो है ये, इसमें हम लेटर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेटर्स कितने टाइप के पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर में जो है, बिजनेस लेटर में हम ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं किसी भी, मतलब शॉप को, शॉप में हम ऑर्डर प्लेसमेंट का लेटर भेजते हैं, ऑर्डर कैंसलिंग का भेज सकते हैं, ठीक है, इंक्वायरी का भेज सकते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लेटर्स आर यूज टू कॉल्ड एज बिजनेस लेटर। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, एप्लीकेशंस फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर्स में क्लासिफाइड एक कॉलम होता है, उसमें सिचुएशन वेकेंट नाम की चीज़ होती है। सिचुएशन वेकेंट में क्या होता है, जो जॉब्स की वो निकलती हैं, शॉर्टलिस्ट निकलता है, जॉब्स निकलती हैं बहुत सारी, तो उसमें हम क्या होता है, हम एप्लीकेशन फॉर जॉब में उस पोस्ट के लिए, यानी किसी भी पोस्ट पर जो एप्लीकेशन किसी भी पोस्ट की जो एडवर्टीजमेंट निकला है पेपर में, न्यूज़पेपर में, उसका हम रिप्लाई करते हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब के, जॉब से, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब में क्या होता है, बेसिकली हम अपना सीवी भेजते हैं, बायोडाटा भेजते हैं, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे सिचुएशन वेकेंट होती है किसी भी पोस्ट पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दैट इज लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर, ये हम लोग बहुत बचपन से करते हुए आ रहे हैं, लेटर टू एडिटर। हाँ, तो लेटर टू एडिटर में ये होता है कि किसी भी आप न्यूज़पेपर के रिस्पेक्टेड एडिटर को आप लेटर भेजते हो, जिसमें कि आप अपनी जो आसपास का एरिया होता है उसके बारे में कभी कभी बताते हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ को, एक कंसर्न अथॉरिटीज़ का एक जरिया होता है कि उनको बताना कि हमारी प्रॉब्लम्स पे वो ध्यान दें। जैसे कि मान लीजिए मेरे एरिया के पास में पानी की बहुत दिक्कत है, ठीक है, तो मैं एक लेटर भेजूँगा टू द एडिटर दैट कि मेरी ये प्रॉब्लम अपने न्यूज़पेपर में आप पब्लिश करें, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो कोई मेजर ले सकें इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर। फिर हमारा आता है लेटर टू प्रिंसिपल। लेटर टू प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और इंस्टीट्यूट, ठीक है, लेटर टू प्रिंसिपल एंड इंस्टीट्यूट, किसी भी प्रिंसिपल या इंस्टीट्यूट को हम लेटर भेज सकते हैं कोई एडमिशन इंक्वायरी के लिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा अनऑफिशियल लेटर्स। अनऑफिशियल लेटर्स, अनऑफिशियल लेटर्स में हम जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज वगैरह में इनवाइट करने के लिए, किसी को किसी का हालचाल पूछने के लिए अनऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जो यानी कि अपने जो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, उनको जो लेटर्स भेजे जाते हैं उनको हम अनऑफिशियल लेटर्स बोलते हैं। अब ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स तो ये सारे हो गए ना, ये ऑफिशियल लेटर्स ही हो गए, ये ऑफिशियल लेटर्स हो गए, ठीक है। और पहली बात ये है कि जो जो ये लेटर्स हैं वो कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं, ये 6 मार्क्स का पूछा जाता है, 6 मार्क्स का, ठीक है, इन एग्जाम, इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटर टू एडिटर की और एप्लीकेशन फॉर जॉब की, ठीक है। बाकी 3 जो टॉपिक्स हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि अपलोड हो सके और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट लेटर टू एडिटर। ओके, लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट बताऊंगा, लेटर टू एडिटर का, ठीक है। लेटर टू एडिटर सबसे पहले फॉर्मेट, ठीक, फॉर्मेट क्या है इसका, सबसे पहले बेसिकली सेंडर्स एड्रेस, यानी कि हमारा एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, मतलब हम कहां से भेज रहे हैं ये लेटर। दूसरा
बीच में यहाँ आएगी डेट, ठीक है, एक लाइन छोड़ के वन, ठीक है, वन लाइन गैप, वन लाइन गैप। दूसरा डेट, डेट याद रखिएगा कभी ऐसे नहीं लिखी जाती है, यहाँ पे ऐसे करके 10 कर दिया, यहाँ पे 2019 कर दिया, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, या फिर ऐसे भी नहीं होगा 2020 ऐसे कर दिया। तो ये जो तरीका होता है डेट लिखने का, ये होता है गलत, ऐसे डेट नहीं लिखी जाती है किसी भी लेटर में। डेट लिखी जाती है ऐसे, जैसे कि हमको आज की डेट लिखनी है, तो आज की डेट है 20th मई, तो 20th मई 2020, ये होता है सही तरीका डेट लिखने का, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ के फिर से वन लाइन गैप, फिर से वन लाइन गैप, ठीक है, वन लाइन गैप। फिर यहां पे आएगा रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिस हम न्यूज़पेपर को भेज रहे हैं उसका एड्रेस, ठीक है, उसका एड्रेस, यानी कि यहां पे हम लिखेंगे टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर है, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वॉट एवर, ठीक है। फिर वहां पे उसका न्यू दिल्ली कौन सी ब्रांच है वहां पे लिख देंगे। फिर यहां पे एक लाइन छोड़ के फिर वन लाइन गैप, फिर वन लाइन गैप, यहां भी वन लाइन गैप, और यहां पे भी वन लाइन का गैप होगा, ठीक है, मेंटेन करके रखना है। स्टेप्स मार्किंग होती है इसमें, स्टेप मार्किंग होती है। तो रिसीवर्स एड्रेस, वन लाइन गैप हो गया। फिर यहां पर आएगा सब्जेक्ट, कि आप किस सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि विषय, जो हिंदी में बोलते हैं सब्जेक्ट, कि किस विषय पे हम ये लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है उस पर हम क्या प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा 5 to 6 words का होना चाहिए, 4 to 6 words, सॉरी 4 to 6 words का के अंदर ही अंदर सब्जेक्ट हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैल्यूटेशन, ठीक है, यानी कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ठीक, फिर वन लाइन छोड़ के फिर वन लाइन गैप, फिर वन लाइन गैप, यहां पे आ जाएगा रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर / रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड मैडम, ठीक है। यहां से कॉमा लगा करके, यहां से कॉमा लगा के हम यहां से फिर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहली लाइन जो हर लेटर में लिखी जाती है, जो हर लेटर में लिखी जाती है, वो होती है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed या respected, esteemed या फिर respected न्यूज़पेपर का नाम यहां पे आ जाएगा, न्यूज़पेपर का यहां पे नाम आ जाएगा, ठीक है। I want to draw या express my, ठीक है, I want to draw the attention, मतलब ये है कि हम आपके न्यूज़पेपर के द्वारा, मैं आपके न्यूज़पेपर के द्वारा, ठीक है, मैं उन कंसर्न्ड अथॉरिटीज का अटेंशन पाना चाहता हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, है वही लिखा। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज ऑन द, यहां पे आ जाएगी आपकी प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम हमारी कुछ भी हो सकती है, हमारे घर के पास में कूड़ा बहुत है, हाँ, पानी की सप्लाई नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, स्ट्रे एनिमल्स बहुत हैं यहाँ पे, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया, फिर सिटी यहाँ पे अपना डाल देंगे, यानी कि यहाँ पे सिटी, किस आप जगह पे रहते हो, ठीक है, सिटी। देन फिर यहाँ से आप, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ आप चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, आप नहीं करते हो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, करते भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक यहां से जैसे ये लाइन होती है तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइन छोड़ करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आपकी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा खासा आपको लिखना है कि आपको इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, पूरी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अच्छे से जो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको अच्छे से लिखनी है, ठीक है। क्या डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं हमारे पास में, ठीक है, और वहाँ पे कोई अथॉरिटी वहाँ पे कोई काम कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर नीचे हमको क्या लिखना है, हमको नीचे लिखना है इफ यू, नहीं हाँ, इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, इन योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर लिख सकते हैं आप, इन योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर में I will be very thankful to you and I hope, मैं आशा करता हूं, and I hope मैं इसको यहां से मिटा दूं, and I hope that concerned authorities will take any measure for this issue, ठीक है, इश्यू यहाँ पे लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़ के, ठीक है, फिर से एक लाइन छोड़ के यहाँ पे वन लाइन का गैप होना चाहिए यहाँ पे, फिर से वन लाइन गैप और यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, अपना नाम यानी कि योर नेम, नेम लिखना है, और यहाँ पे नहीं सॉरी सॉरी यहाँ पे आपको लिखना है योर्स ट्रूली, ठीक है, योर्स ट्रूली, और यहाँ पे अपना नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ लेटर टू द एडिटर, फॉर्मेट ऑफ लेटर टू एडिटर, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेट, तो आई होप कि आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी, मतलब इतना जो वीडियो में है वो ठीक लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इतना भी आप कर देंगे तो काफी अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट फुल तो आसपास मिल ही जाएंगे, ठीक है, 6 out of 5 तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अच्छी हैंडराइटिंग हो, ठीक है, नीट एंड क्लीन हो, प्रॉपर वर्ड्स लिखे हो, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए उससे उसका। तो दिस इज द लेटर टू एडिटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब की। सो अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब की, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब एक लेंथी है लेकिन इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, 6 marks का होता है, ठीक है, और न्यूज़पेपर में जो क्लासिफाइड एरिया होता है उसमें जॉब्स की ओपनिंग्स निकलती हैं, यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे सिचुएशन वेकेंट है, ठीक है, यहाँ पे जॉब खाली है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका उसी तरीके के मैं एक एडवर्टीजमेंट निकाल बताता हूँ, ठीक है, एडवर्टीजमेंट जो न्यूज़पेपर में निकलता है, जो विज्ञापन निकलता है। तो सिचुएशन वेकेंट यानी कि खाली पद, ठीक है, इस पोस्ट के लिए जो है खाली जगह है, आप उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन वेकेंट, उस एडवर्टीजमेंट का नाम ही है सिचुएशन वेकेंट, उसका टॉपिक ऊपर, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है वांटेड
तो ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये है क्वेश्चन सिचुएशन वेकेंट का, एक एप्लीकेशन फॉर जॉब का। इसमें लिखा हुआ है वांटेड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश टू टीच सीनियर सेकेंडरी क्लासेस इन रेप्यूटेड स्कूल इन बैंगलोर। कैंडिडेट शुड हैव अ मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स एक्सपीरियंस। अप्लाई टू बॉक्स नंबर इतना, द डेकन हेराल्ड बैंगलोर, ये है इनको, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमको एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए, एक पॉइंट मिला, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए, किसका, इंग्लिश का, किस लिए चाहिए, पढ़ाने के लिए, टू टीच सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, ठीक है, जो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस होती हैं, यानी कि 8 से लेकर 12 तक की जो क्लासेस होती हैं, 9 से लेकर 12 तक की जो क्लासेस होती हैं, इन अ रेप्यूटेड स्कूल, एक स्कूल में, कहाँ पे, बैंगलोर में, ठीक है। कैंडिडेट जो, यानी कि जो अप्लाई करने वाले हैं उनको कैंडिडेट बोलते हैं, कैंडिडेट के पास में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हमको कहां पे पोस्ट करना है अपना लेटर, कहां पे, ये एड्रेस दिया हुआ है, बॉक्स नंबर 178, ठीक है, द डेक्कन हेराल्ड बैंगलोर 50015, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास में रखिए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके, हाँ इसको सॉल्व करते हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब। इसमें भी वही है, इसमें हमको क्या करना है, जैसे कि लेटर टू एडिटर में लिखते थे, वही लिखते थे ना, जैसे कि अपना सेंडर्स एड्रेस, अपना एड्रेस, यानी कि मेरा एड्रेस मान लीजिए मैंने लिख दिया हाउस नंबर 1, 2, 3, हाउस नंबर 1, 2, 3 मैरोली न्यू दिल्ली। मैंने ये हाउस नंबर बस ऐसे ही लिखा है, ठीक है, एज एग्जांपल यहाँ पे अपना पिन कोड लिख दिया 1700, ये मेरा पिन कोड हो गया, ठीक। तो कोई भी आप अपना एड्रेस लिख सकते हो, फिर यहाँ पे नीचे डेट आ जाएगी, आज की डेट क्या है, 20th May 2020, ठीक। अब रिसीवर एड्रेस याद रखिए, ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, ये हो गई डेट, और रिसीवर्स एड्रेस, बॉक्स नंबर क्या था, बॉक्स नंबर है 178 CO, the Deccan Herald, Bangalore
500015। ठीक है, ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, फिर नीचे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। वहां पे क्या मांग थी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की मांग थी। ठीक, तो यहां पे लिख देंगे हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक, अब यहां पे ये हो गया। अब नीचे आ जाएगा हमारा रिस्पेक्टेड सर और मैम, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। ठीक, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, यहां पे बीच बीच में गैप होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे गैप नहीं है, यहां पे गैप है, यहां गैप है, यहां गैप है, एक एक लाइन का। ठीक, और इसके बाद भी एक लाइन का गैप है। फिर यहां से इस तरह से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहां से इस तरफ से। यहां पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, टू द रिप्लाई ऑफ योर एडवर्टीजमेंट, यानी कि इश्तिहार, यानी कि बोलते हैं हम, जैसे विज्ञापन बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट। To the reply of your advertisement for the post in, sorry, यहाँ पे advertisement in Deccan Herald, कौन से newspaper में, Deccan Herald। ठीक है, यहाँ पे आपको newspaper का नाम लिखना है, Deccan Herald। To the reply of advertisement in Deccan Herald, यहाँ पे date आ जाएगी, कोई भी date को हमने issue किया हो, date issue किया कोई, नहीं date issue नहीं करी है। ठीक है, तो डेट यहाँ पे आ जाएगा, डेटेड, कोई भी डेट डाल देंगे। अगर इश्यू करी है डेट, वहां पे क्वेश्चन में मेंशन है, तो आपको वो डेट लिखनी पड़ेगी। नहीं लिखी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे 20th में है तो पहले की डेट लिखेंगे, सीधी सी बात है। डेटेड 10th May 2020। ठीक, डेटेड 10th May 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश इन योर रिस्पेक्टेड स्कूल, इन योर रिस्पेक्टेड स्कूल। ठीक, इतना लिखेंगे, ये आपको लाइन हर एप्लीकेशन फॉर जॉब में लिखी जाएगी। ठीक है, याद करना है तो याद कर लीजिए, रटना चाहे तो रट लीजिए। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी पड़ेगा, वैसे बहुत इजी है। ठीक है, तो टू द रिप्लाई ऑफ योर एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट आया था कहां पे, डेक्कन हेराल्ड में, डेटेड कहां, कब आया था, 10th मई को आया था, फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन इंग्लिश इन योर रिस्पेक्टेड स्कूल। ठीक, इन योर रिस्पेक्टेड स्कूल। अब I am applying for the same। ओके, कि मैं उस पोस्ट के लिए ही अप्लाई करने जा रहा हूं। अब मैं, इतना हो गया, मैं यहां से इरेज कर रहा हूं उसको। I am applying for the same। अब थोड़ी अपनी तारीफ करनी शुरू करेंगे। ठीक है, अपनी थोड़ी तारीफ करना शुरू करेंगे। My educational qualifications, nature and dynamic personality, nature, dynamic personality,
डायनेमिक पर्सनालिटी, खूब अपनी तारीफ करनी है इसमें, पर्सनालिटी ठीक है, अच्छी अच्छी तारीफ करनी है, ज्यादा नहीं कर देना, पर्सनालिटी ठीक है, डायनेमिक पर्सनालिटी विद एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा काम होता है किसी भी, आप अगर कोई भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, तो एक्सपीरियंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो काफी बार होगा कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है, तो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। पर्सनालिटी विद एक्सपीरियंस या फिर हाई एक्सपीरियंस, ठीक है, हाई एक्सपीरियंस, फिर हाई एक्सपीरियंस विद हाई एक्सपीरियंस हो गया, फिर आई एम इनक्लोजिंग विद दैट, आई एम इनक्लोजिंग दिस एप्लीकेशन विद माय बायोडाटा, जिसको हम CV भी कह सकते हैं, ठीक है, विद माय बायोडाटा, If I selected, I will give my best to the children's and to the respective school and to the respective school, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या लिखा, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नेचर एंड डायनेमिक पर्सनालिटी विद एक्सपीरियंस, यहां पे एक लाइन लिखना भूल गया, पर्सनालिटी विद एक्सपीरियंस अलाउइंग मी फॉर दिस पोस्ट, ठीक है, ये लाइन में लिखना भूल गया था, ये लाइन लिखनी होती है यहाँ पे, अलाउइंग मी फॉर दिस पोस्ट, ठीक है, माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन नेचर डायनेमिक पर्सनालिटी विद एक्सपीरियंस अलाउइंग मी फॉर दिस पोस्ट, आई एम इनक्लोजिंग दिस एप्लीकेशन विद माय बायो डेटा, इफ आई सेलेक्टेड आई विल गिव माय बेस्ट टू द चिल्ड्रंस टू द रिस्पेक्टिव स्कूल, ठीक है, मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, नेचर है, डायनेमिक पर्सनैलिटी है और एक्सपीरियंस है, वो मुझे अलाउ कर रहा है इस पोस्ट के लिए, ठीक है, मैं जाते जाते इस लेटर को एंड करते करते अपना बायोडाटा देता हुआ जा रहा हूँ, एंड अगर मैं सेलेक्ट हुआ तो मैं चिल्ड्रंस को, बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल को अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बायोडाटा लिखेंगे, तो बायोडाटा होता है लंबा चौड़ा, ये लेंथी जरूर है लेकिन ईजी बहुत है और मार्क्स बहुत ईजी से गेन हो जाते हैं इसमें, ठीक है। अब बात आती है बायोडाटा की, अब आती है बायोडाटा की बारी, तो बायोडाटा कैसे लिखते हैं, बायोडाटा, तो बायोडाटा में अपना सबसे पहले फुल नेम, आपका जो भी नाम है यहां पे फुल नेम आ गया, एक फादर्स नेम, ठीक है, एज, जेंडर, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, एज आप को ध्यान में रखना है कि उस हिसाब से करनी है कि आगे कोई दिक्कत ना हो, जैसे आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो एज आप मान लेके कर लीजिए 40 ईयर्स की एज है आपके। परमानेंट एड्रेस जो भी है वो लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस अगर एड्रेस कोई है, अगर आप दूसरी जगह पर अभी रहते हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। अब आती है बारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की,
ठीक है, तो आपको पूरा अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखना है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इंटर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 12th से स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर हाँ सॉरी एक चीज और, डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करनी बहुत जरूरी है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे कर्म कर दें 40 साल, 1980 और कुछ भी कर देते हैं 5th of July 1980। ठीक, 1980 जुलाई नहीं, अभी नहीं, जुलाई कहाँ है अभी, 5th 1980। ओके ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास ट्वेल्थ विद 86%। यहाँ पे एक चीज लिखनी है और, पास्ट क्लास क्लास ट्वेल्थ विद 86% इन जो भी आपका स्कूल था, या फिर फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम स्कूल नेम, यहाँ पे आ जाएगा स्कूल नेम, स्कूल नेम और जगह सिटी। ठीक है, इन कितने साल में, बेसिकली 18 ईयर्स के बाद में होता है, तो कितना हो गया 1998। ठीक है, 1998 में आपने 12th पास आउट किया। देन सेकंड थिंग, ठीक है, बीए विद 70% मार्क्स, फिर से स्कूल नेम, यानी कि सॉरी कॉलेज नेम सिटी और ईयर, यानी कि 3 साल का होता है तो 2001। ठीक है, फिर थर्ड थिंग, आपने पास्ट एमए विद 60% मार्क्स, कॉलेज का नाम सिटी और 2003। ठीक, ये हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। देन अब बात आती है आपके हॉबीज की, या फिर लैंग्वेजेस नोन की, कोई भी लिख सकते हैं, लैंग्वेजेस नोन लिख दिया अगर, लैंग्वेजेस नोन में आप हिंदी इंग्लिश, ठीक है, दो लैंग्वेज आप लिख सकते हो, तीन लिख सकते हो। ठीक, दूसरी हॉबीज में आप रीडिंग ट्रैवलिंग एक्सेट्रा, कुछ भी आप हॉबीज लिख सकते हो। ठीक है, हॉबीज हो गया। फिर होता है आपका सैलरी एक्सपेक्टेड, कितना आप सैलरी मांगते हो इंस्टीट्यूट से। ठीक है, सैलरी एक्सपेक्टेड तो लिख सकते हैं आप, नेगोशिएबल, या फिर मिनिमम 40,000 50,000 के आसपास, 40,000 लिख सकते हैं, 40,000 रुपीज़। ये हो गया। और फिर आप लिख सकते हो अपनी एडिशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो प्लेट फॉर कॉलेज इन क्रिकेट कॉम्पिटिशन, इन क्रिकेट टूर्नामेंट लिख सकते हो, क्रिकेट टूर्नामेंट इन 2002। ठीक है, और भी सारी एक्टिविटीज लिख सकते हो। ठीक है, नहीं आ गया। फिर नेगोशिएबल सैलरी एक्सपेक्टेड,
ठीक है, इतना बहुत है। फिर उसके बाद में अपना ही नीचे फोन नंबर भी लिख सकते हो आप, फोन नंबर जो भी आपका फोन नंबर है, ठीक है, इतना चीज। और हाँ, एक चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रेफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रेफरेंस चीज ये है कि अगर आपका जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वो आपके बारे में जानना चाहे तो वो कहाँ से जानेगा, ठीक है। तो आप अपना बैकग्राउंड किसी भी प्रोफेसर का, किसी भी अपने टीचर का नाम ले सकते हो, उसका फ़ोन नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो रेफरेंस मैंने दे दिया राजेश कुमार, ठीक है, इस कॉलेज के हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मिस्टर राजेश कुमार इस कॉलेज के हैं, कॉलेज नेम और इनका फोन नंबर, ठीक। यहाँ पे दो तीन लोग हम लिख सकते हैं, ठीक, दो तीन लोग। फिर यहाँ पे डब्बे बना के यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे, बस ये हो गया बायोडाटा और ये था आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब। ओके, सो दिस इज द वीडियो जिसमें हमने कवर किया क्या, लेटर टू एडिटर एंड एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है। सो दिस इज द वीडियो, होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो एंड डू शेयर एज मच एज यू कैन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।